फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की बहुत ही बढ़िया और खस्ता कचौड़ी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका आटा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम ये 2 कटोरी मैदा लेंगे। आप चाहे तो मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो आप इसकी जगह आटा इस्तेमाल करिए, और आप इसमें आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे पूरा मैदे से बनाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये आधा चम्मच नमक, मैंने छोटा चम्मच लिया है, और ये आधा चम्मच अजवाइन है। इसे हम हाथों से क्रश करके तब इस आटे में डालेंगे, इससे इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसकी मोयन के लिए हम इसमें डालेंगे ये रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसमें देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे रिफाइंड ऑयल से इसको बनाऊंगी। तो हम इस आटे में थोड़ा थोड़ा करके इस ऑयल को डालेंगे। ध्यान रहे कि हमें एक साथ इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऑयल ऐड करना है। आटे में मोयन हमारा लग गया है। अगर हम इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे तो आटा हमारा अच्छे से मुट्ठी में बन जा रहा है, इसका मतलब मोयन हमारा परफेक्ट लगा है। मैंने मोयन के लिए ये छोटी कटोरी से 1 कटोरी ऑयल लिया था, जिसमें कि लगभग 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल बच गया है। अब इस आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और इसका ना ही हम सख्त डो लगाना है ना ही बहुत सॉफ्ट, इसका हमें एक मीडियम डो लगाना है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। आटा हमारा लग गया है। इस आटे को ना ही मैंने बहुत हार्ड गूंथा है ना ही सॉफ्ट है, ये मैंने नॉर्मल गूंथा है। अब इस आटे को हम रख देंगे रेस्ट के लिए। तब तक हम इसके लिए मूंग दाल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मूंग दाल स्टफिंग के लिए मैंने 2 कटोरी मूंग दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। इसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश करके इसे भिगा दिया था, और इसे एक छन्नी में निकाल कर रख दिया था, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। क्योंकि हमें इस दाल को पीसते समय इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, इसलिए मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब हम एक मिक्सिंग जार में इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। दाल हमारी पिस गई है, इसे मैंने दरदरा ही पीसा हुआ है, क्योंकि हलवाई भी अगर मूंग दाल की कचौड़ी बनाते हैं तो वो भी दाल को इसी तरीके से दरदरा ही पीसते हैं। तो कचौड़ी में भरने के लिए दाल को हमेशा इसी तरीके से दरदरा पीसा जाता है। अब इस कचौड़ी में हम डालने के लिए कुछ मसालों को पीस लेते हैं। ये 2 चम्मच खड़ी धनिया है, कचौड़ी में आप धनिया ज़रूर डालिएगा। 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच ज़ीरा, 15 से 20 दाने काली मिर्च के, और 6 से 7 ये सूखी लाल मिर्च, इसे आप ज़रूर डालिएगा। इन मसालों की वजह से ये कचौड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने मसालों को इस तरीके से दरदरा पीस लिया है। अब चलिए हम इसकी कुकिंग प्रोसेस में चलते हैं। गैस पे मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 चम्मच तेल। इस तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अब गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाला जो हमने पीस कर रखा था, और इन मसालों को हम इस ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक सीक्रेट चीज़, जो कि हलवाई लोग भी कचौड़ी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, वो है बेसन। इसमें हम 4 से 5 चम्मच बेसन डालेंगे। कचौड़ी बनाने में आप बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अब इसे हम इस मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। कचौड़ी बनाते समय आप उसमें बेसन ज़रूर डालिएगा। बेसन डालने से हमारी कचौड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। हलवाई लोग जब भी कचौड़ी बनाते हैं तो वो बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, तो आप ज़रूर बेसन डालिएगा। बेसन भी हमारा अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है बेसन की। अब मैं इसमें डालूंगी ये मूंग की दाल जो मैंने पीस कर रखा है, और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिलाकर भून लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे। दाल हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है, और इसका दाना देखिए खिलकर एक एक दाना अलग हो गया है। अब हम इसमें ऊपर से कुछ मसाले डालेंगे। ये 1 चम्मच आमचूर पाउडर है, इसमें खटास के लिए कसूरी मेथी, इसे हम हाथ से क्रश कर कर इसमें डालेंगे। 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगा, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर।
इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके लगभग 15 मिनट के लिए इसे और अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस मसाले में बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, इससे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब बस हम इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। हमारा मसाला जो कचौड़ी का है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हमारा कचौड़ी का मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसकी खुशबू क्या ज़बरदस्त आ रही है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे ये आधा चम्मच हींग। हींग आप कचौड़ी में ज़रूर डालिएगा, कचौड़ी में हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इस मसाले को रख देंगे साइड में इसे ठंडा होने के लिए, फिर हम इसकी कचौड़ी बनाएंगे। आटा भी हमारा सेट हो गया है। आटे को हम इस तरीके से हाथ से थोड़ी देर मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। अब इस आटे का हम छोटा छोटा सा लोई तब बनाएंगे। जितनी बड़ी आपको कचौड़ी रखनी है आप उसी हिसाब से इसकी लोई बनाइएगा। और इसके बीज को हम इस तरीके से प्रेस करके इसकी साइड्स को हमें पतला करना है और बीच में हमें मोटा रखना है। इसे इस तरीके से कटोरी की शेप में हम बना लेंगे। अब इसके बीच में हम ये मूंग दाल की फिलिंग भरेंगे। इस तरीके से अगर आप मूंग दाल का गोला बनाएंगे तो इस कचौड़ी में भरने में आपको बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी से आप इसको भर लेंगे। अब इस तरीके से पकड़ कर हम इसे प्रेस करते हुए अच्छे से इसको भर लेंगे। और इसके मुंह को हम इस तरीके से अच्छे से बंद कर देंगे। इस कचौड़ी को हम हाथ से इसी तरीके से दबाते हुए बनाएंगे, हमें इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक अपनाने से हमारी कचौड़ी बहुत ही फूली फूली और बहुत ही बढ़िया बनेगी। इसी तरीके से हम अपनी सभी कचौड़ियों को बना लेंगे। देखिए ये मैंने कुछ कचौड़ियाँ बना लिया है। अब चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने ये तेल गरम कर लिया है। तेल का टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए और गैस का फ्लेम मैंने स्लो ही रखा है। हमें इस कचौड़ी को बहुत गर्म तेल में फ्राई नहीं करना है। अब धीरे धीरे करके हम इस कचौड़ी को इस तेल के अंदर डाल देंगे। जब हम तेल में कचौड़ियों को डालेंगे तो कचौड़ियाँ हमारे तेल में इस तरीके से दिखनी चाहिए। अगर अचानक उसमें बहुत तेज बबल्स आएंगे तो इसका मतलब तेल हमारा बहुत गर्म है। तेल अगर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो कचौड़ियाँ हमारे ऊपर से पक जाएंगी लेकिन वो अंदर से कच्ची रहेंगी, इसलिए ध्यान रहे कि तेल का टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, कचौड़ी हमारी कितनी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड भी सेक लेंगे। कचौड़ी हमारी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए इस कचौड़ी का कलर कितना बढ़िया आया है। कचौड़ी को फ्राई करने में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं क्योंकि हम इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं। अब इन कचौड़ियों को हम निकाल के दूसरी प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरीके से हम अपनी बाकी कचौड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे। मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि यह कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। देखिए कचौड़ी कितनी बढ़िया बनी है और इसके अंदर की जो दाल की फिलिंग है वो बहुत ही बढ़िया आई है। मैंने इस कचौड़ी को स्टोर करने के लिए बनाया है, इसलिए मैंने इसमें हरी धनिया और हरी मिर्च नहीं डाला है। आप इस कचौड़ी को 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इसे जब मन हो आप तब खा सकते हैं। आप मेरी मूंग दाल की इस कचौड़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर कचौड़ी का मसाला बच जाए तो आप इसे किसी एयर टाइट डब्बे में भर के इसे स्टोर करके रख सकते हैं और आपका जब मन करे तब आप इसे कचौड़ी बनाकर खाइए। आपको मेरी ये कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।